हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे राजस्थानी मशहूर गट्टे बनाने की प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, आज हम गट्टे बनाने सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो नई नई रेसिपीज आती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू, वो आपको फटाफट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए ले लेंगे बेसन। करीब हम 1 से 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। अगर आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बेसन इसमें और डाल सकते हैं। तो हमारे गट्टे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया बेसन। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हाँ दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि जो बेसन होता है उससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। और फिर आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद डालेंगे आप इसमें, अगर आपने 2 कटोरी लिया है तो आप 2 चम्मच मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च, या फिर अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्ची तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच। याद रखिए, आप बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा खाने का सोडा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे आप, ताकि आपके जो गट्टे हैं, राजस्थानी गट्टे, फूले फूले शानदार से बने और आप लोगों को खाने में मज़ा आए, और जिसे भी आप खिलाएं वो भी आपके खाने की तारीफ करें। इसके बाद आप इसमें 1 या 2 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे आप टाइट गूँथ लेंगे। हाँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ही टाइट गूँथना है। तो दोस्तों, हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब आप देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है गट्टे का, ये तैयार हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे टाइट गूँथ लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि हमने जो भी सारा मसाला डाला है इसमें वो अच्छे से मैश हो जाए और एक ही जगह पे ना रहे। इसके लिए आप साइड में क्या करेंगे, इसमें हम फिर पानी डाल के अच्छे से मसाला मिलाने के बाद इसे गूँथ लेंगे। आप हमेशा याद रखिए, इसका जो गट्टे का गूँधा हुआ ये बेसन होगा, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और टेस्टी बने। तो हम इसे गूँध लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा गट्टे का आटा अच्छे से गूँध के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए इस आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, जिससे हम गट्टे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये लिया, इसकी लोई बनानी है। तो ये जो आपने ये लोई लिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो भी बर्तन में आपने आटा गूँधा है उसमें इस तरह से अपने हाथ से लंबा कर लेना है। तो ये जो है, ये आपका गट्टा तैयार हो गया है। तो इसे हम पानी में उबालेंगे। तो साइड में आप जाइए, कोई भी भगोनी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कोई भी बर्तन में पानी उबालने के लिए हम रख देंगे। तो इस तरह से हम गूंधे हुए आटे को छोटा सा तोड़ेंगे, उसे इस तरह से लंबी गोली बनाएंगे, परात में या किसी बर्तन में रखेंगे और उसे अपने हाथ से इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गट्टे के वो जो पानी में उबालना है उसके साइज तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस पूरे, तो फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने जो ये गट्टे के स्लाइसेस बनाए थे, इनका हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। ये हम सारे स्लाइसेस इसमें डाल देंगे, और फिर इस उबलते हुए पानी में हम जो ये स्लाइसेस डालेंगे, इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पर आप याद रखें, अच्छे से जब ये पक रहे हों तो इन्हें किसी भी करछी से हिलाते रहें, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारे ये जो गट्टे के स्लाइसेस हैं, पक रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गट्टे उबल गए हैं, ये उबल के फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। अब हम इसे बंद कर देंगे, और उसके बाद अपने गट्टे इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे गट्टे रेडी हो गए हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये फूल गए क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, इससे बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगेंगे। तो हम इन सारे गट्टों को एक बर्तन में निकाल लेंगे, और फिर इसे, हाँ तो दोस्तों, हम उसके बाद ये जो हमारे उबले हुए स्लाइसेस हैं बेसन के, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास झाड़ी है तो ये झाड़ी निकल भी रहती है, तो इससे भी आप काट सकते हैं। और इस तरह से कटने के बाद आप ये देखिए, आपके छोटे छोटे गट्टे के जो पीसेस हैं ये तैयार हैं। अब आपको इनकी सब्जी बनानी है, तो आपके बन जाएंगे शानदार राजस्थानी गट्टे। तो अब चलते हैं हम इसकी सब्जी बनाने के लिए। चलिए, हाँ तो दोस्तों, अब हम बनाएंगे सूखे गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई चाहिए, उसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल,
सूखे जब आप गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारे जो गट्टे हैं वो चिपके नहीं और टेस्टी बने। मतलब कि आप 2 या 3 स्पून डाल दीजिए टी स्पून के हिसाब से। अब इसमें हम डालेंगे हींग का तड़का। ये हींग डाल दिए इसमें। इसमें हम डालेंगे जीरा। ये देखिए हमारे हींग और जीरा पक रहे हैं। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा उसका मतलब है कि आपका जीरा रेडी है। अब आप इसमें सूखे गट्टे डाल सकते हैं। इसको आप एक बार चम्मच से हिला दीजिए ताकि आपका जो जीरा है वो जल्दी से सिक जाए और ब्राउन कलर का हो जाए। ये देखिए हमारा जीरा जो है ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो गट्टे के पीसेस हमने करे हैं वो इसमें डाल देंगे। आँच कम कर देंगे ताकि हमारा जीरा जले नहीं। तो ये जो हमारे गट्टे के स्लाइसेस हमने बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक मिर्ची। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। भूनते समय नहीं डाली थी तो अभी 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच मिर्ची और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक। बस अब हमारे गट्टे तैयार हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा धनिया और डाल दीजिए ताकि स्वाद बढ़ा देगा। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिला देना। ये हमारे राजस्थानी सूखे गट्टे। गीले गट्टे आपने बहुत बार खाए होंगे तो ये सूखे गट्टे जो है राजस्थान की स्पेशल डिश है। इसे हम हिला देंगे। ये अच्छे से हमने गट्टे को हिला लिए और ये हमारे सूखे गट्टे की सब्जी तैयार है। इसे हम डालेंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसे खाते हैं किसी अच्छी टेस्टी सी बाटी के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं।